आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। फिर से आज आपके सामने एक पेशेंट की स्टडी प्रस्तुत करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद का डिप्रेशन होता क्या है कि एक व्यक्ति मेरे पास में आया। जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहते हैं, ये बड़े पोस्ट पर था, 30 साल तक सर्विस किया, हाथ के नीचे काफ़ी नौकर जाकर, अच्छी तनख्वाह, कंपनी की तरफ से गाड़ी, अच्छे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। और 58 उम्र होने के बाद में उसको ऐसा लगा कि अपने को और एक्सटेंशन मिलेगा, मगर बॉस आ गया एक नया, सीईओ ऑफ द कंपनी, और उसने ये लोगों को, कुछ लोग जो थे 58 वाले जो थे, उनको सबको रवाना कर दिए। तो इसको अचानक घर पे जाना पड़ा, रिजिग्नेशन मांग लिया और उसको घर पे जाना पड़ा। मतलब रिजिग्नेशन कारण नहीं, वो तो रिटायर ही हो गया था, मगर उसको एक्सटेंशन नहीं दिया। रिटायर होने के बाद में भी सवाल आ गया कि अभी करना क्या। पहले 2-4 महीने तो ऐसे गए कि वो प्रोविडेंट फंड के पैसे, वो इसके अपने ग्रेचुटी के पैसे, फिर वो कोई डिपॉजिट्स थे कंपनी की तरफ, वो कोई शेयर्स कंपनी की तरफ थे, वो लिक्विडेट करना, मतलब ऐसे इसमें 2-4 महीने 6 महीने उसके गए, सब पैसा इकट्ठा हो गया, अभी करना क्या, ये प्रॉब्लम आ गया। पूरे 30 साल तक उसने कुछ भी बाकी स्किल्स नहीं हासिल किए थे, बाकी स्किल्स कोई लर्न नहीं किए थे। प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहा है, प्लास्टिक की कंपनी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हाई पोस्ट पे है, तो बाकी उसको मालूम ही नहीं कुछ। अभी कहीं जाना और किसके यहाँ काम मांगना, तो ये भी उसको जच नहीं रहा था, क्योंकि वो उसका ईगो आड़े आ रहा था कि भाई मैं जाऊँ किसके यहाँ, उसको काम मांगूँ और फिर वो मुझे काम देगा, फिर कोई लोअर पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, तनख्वाह भी उतनी नहीं रहेंगी, फिर करूँ क्या। अच्छा, वैसा फिजिकली फिट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी घर में बैठेंगे ना ये और कुछ काम नहीं करेंगे तो होता क्या है। घर में बच्चे, उनकी शादी हो चुकी है, उनको बच्चे है, घर में बीबी है, वो तो सालों से हाउसवाइफ ही है, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये जब आदमी घर में बैठता है ना, ऐसे रिटायर्ड आदमी, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो जाते, घर के लोगों, वो उनके पीछे कटकट लगा देंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ऐसा करो वैसा करो, फिर घर में क्लैशेस होना चालू हो जाते। अब ये मेरे पास में इसलिए आए कि अभी करना क्या, रोज नर्वसनेस आ रहा, डिप्रेशन आ रहा, सुबह उठने के बाद में उठना ही क्यों, उठ के भी करना क्या, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, घूम लिया, तो बाकी खाना खाना, सोना, टीवी देखना, बोले बोर हो गया मैं अभी। कभी कभी ऐसा लगता कि खुदकुशी कर लूँ, और उसको डिप्रेशन धीरे 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 डेवलप होना चालू हो गया था। मेरा यही कहना है कि जो लोग रिटायरमेंट के नज़दीक है, उन्हें पहले से ही प्लान करना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद में क्या क्या करना है, क्योंकि वही यदि जॉब आप नहीं करने वाले आगे चल के, तो फिर करेंगे क्या। कुछ लोग बोलते नहीं, हम पैसे मिलेंगे तो कुछ धंधा डालेंगे। एक व्यक्ति ने मेरे पहचान का है, उसने क्या किया, 20 लाख रुपए उसको मिले, उसने किराना दुकान डाल दिया। अब किराना दुकान का उसको ना ABCD आता, ना उसको कुछ मालूम नहीं कि कैसा चलाना, रिटायरमेंट हो गया, किराना दुकान डाल दिया, घर में एक कमरा था वहीं, और धीरे 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 वो 2 साल में पूरा बैठ गया, मालूम ही नहीं धंधा कैसे करना, क्योंकि कभी सीखा भी नहीं। तो ऐसे लोग फिर करते हैं कि जो मालूम नहीं कुछ, तो भी काम करते, जो पैसा मिला है वो सब गमा डालते, या फिर जो पैसा मिला उसमें अपना एक मकान बांध देंगे, फिर उसको कुछ तो भी नाम देंगे, विश्रांति या कुछ तो भी, अभी सावली, ऐसा कुछ तो भी नाम दे देंगे उसको मराठी के, और फिर वो नाम देके उसमें घर में रहेंगे, और रोज़ उनको प्रॉब्लम है, फिर जब घर में बैठेंगे ना तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी चालू हो जाएगी। एक तो डिप्रेशन आता है, जिनको जिनको डिप्रेशन है उनको जल्दी डायबिटीज़ हो जाएगा, उनको जल्दी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, या कुछ ना कुछ बीमारी उनको चालू हो जाएंगी, क्योंकि घर में जब बैठा हुआ आदमी जब इनएक्टिव हो जाता है तो कुछ ना कुछ बीमारी आना शुरू हो जाती है। किसके यहाँ जाता है तो लोग अवॉइड करना चालू करते हैं, क्योंकि कहीं जाता आता है, किसको कॉल करता है, तो लोग बोलते हैं यार इसको, इसको बहुत ही खाली आदमी है, बहुत बातें करते बैठता है, तो लोग सुनना भी चालू नहीं, मतलब सुनते भी नहीं है लोग उसको, सुनना भी चाहते नहीं है, और फिर उसको लगता है कि अभी मैंने करना क्या। तो मेरी सबसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि जो भी रिटायरमेंट के नज़दीक है, उनको डिप्रेशन आना ही आना है, तो उन्होंने पहले से ही ऐसा कुछ प्लानिंग कर दिया, कुछ कौशल्य डेवलप किया, कुछ स्किल डेवलप कर दिया, या फिर जितने साल आप जो काम कर रहे थे वही काम यदि आप आगे कर सकते हो, तो फिर मैं अकेला ये काम आगे कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, ये सेम स्किल्स का इस्तेमाल करके मैं कुछ बिजनेस चालू कर सकूंगा क्या, या कुछ नया स्किल मैं डेवलप करूंगा क्या, नया बिजनेस चालू करूँ, नया नौकरी ले लूँगा क्या, कुछ ना कुछ ऐसा पहले से वो प्लानिंग करते हैं, तो रिटायरमेंट के तुरंत बाद वो बिजी हो जाएंगे, और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ उनको बीमारी होगी, जल्दी मर जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर जो रिटायरमेंट के पास में, उनको सबको शेयर करो, लाइक करो और उनको भेजो, तो शेयर करेंगे लोगों को पता लगेगा कि भाई प्लानिंग कैसे किया जाए, रिटायरमेंट के बाद का डिप्रेशन कैसा टाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग।
थैंक यू वेरी मच।